हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और वेलकम बैक टू राखीज रसोई। लास्ट वीडियो में हमने बहुत आसानी से प्रोफेशनल वनीला बेस आइसक्रीम कैसे बनाते हैं वो रेसिपी शेयर किया है। ये आइसक्रीम बेस बनाने के लिए आप CMS GMC पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बहुत ही जल्द वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम बेस को हम 6 डिफरेंट फ्लेवर्स देते हुए एकदम टेस्टी और फ्लेवरफुल आइसक्रीम बनाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जैसे हम प्योर आइसक्रीम बेस घर में कैसे बना सकते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, इसकी लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साइड में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं रेसिपी वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1/4 कप दूध में कम से कम 10 से 15 केसर को भिगो कर रखा है आधे घंटे के लिए। एक बाउल में 1/2 किलो वनीला बेस आइसक्रीम ले लेंगे और इसमें केसर वाला दूध डाल देंगे और लगभग 3 से 4 टेबलस्पून जितना पिस्ता की कतरन डालेंगे। पिस्ता को आप फाइनली स्लाइस कर दें और उसमें डालें। अब केसर पिस्ता आइसक्रीम है तो नेचुरली हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर और लाइट लेमन येलो कलर डालेंगे। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और लास्ट में डालेंगे 1/8 टीस्पून से भी कम केसर एसेंस। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अगर आपके पास केसर एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस भी ले सकते हो, लेकिन जैसे आप दूध में केसर डालते हो तो वो ज़्यादा केसर भिगो के रखें और इस आइसक्रीम में मिक्स कर दें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे हम सेट करने रख देंगे। तो इसके लिए मैंने 1/2 किलो का डब्बा लिया है और सारा आइसक्रीम इसमें ट्रांसफ़र कर दें और फिर से इसे पिस्ता की कतरन और थोड़ी सी इलायची पाउडर और थोड़ी सी केसर के धागे से गार्निश करें और इसे अब ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में कम से कम 8 से 10 घंटे सेट करने रख देंगे। 8 से 10 घंटे बाद हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। ये देखिए, एकदम क्रीमी केसर पिस्ता आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। तो जब भी आप स्कूपर से आइसक्रीम निकालते हो, स्कूपर को पानी से गीला करें और उसके बाद स्कूप आउट करें। एकदम टेस्टी और टेम्पटिंग क्रीमी केसर पिस्ता आइसक्रीम तैयार हो चुका है। चलिए अब बनाएंगे काजू द्राक्ष आइसक्रीम। उसके लिए 1/4 कप किशमिश को पानी में 2 घंटे के लिए भिगो कर रखें। भिगोने से किशमिश सॉफ्ट भी हो जाएगी और जब हम इसे आइसक्रीम में खाएंगे तो ये चीवी और रबरी नहीं लगेगा। भिगोने के बाद इसे चन्नी में निकाल दें 10 मिनट के लिए और उसके बाद इसे कपड़े के ऊपर सुखा दें और किशमिश के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा स्टेम हो या बारीक काढ़ी हो उसे निकाल दें। 15 से 20 मिनट इसके पंखे के नीचे ही इसे इसी तरह सुखा दें। अब एक बाउल में वनीला बेस आइसक्रीम ले लेंगे। उसमें 1/4 कप जितना काजू डालें। काजू को पहले मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और उसके बाद उसे कूटनी में कूट के इसमें डाल दें। अब जो किशमिश ड्राई हो चुका है उसे भी इसमें डाल दें। यहाँ पर आप चाहें किशमिश के बारीक पीसेस भी कर सकते हो। इसी में 1/8 टीस्पून से भी कम एसेंस डालें। तो यहाँ पर मैं किशमिश का एसेंस डाल रही हूँ, आप चाहे नॉर्मल वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये हमारा आइसक्रीम तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे सेट करते हैं। सेट करने के लिए मैंने 1/2 किलो का डब्बा लिया है, उसमें सारा आइसक्रीम ट्रांसफ़र कर दी और फिर से थोड़े से काजू और किशमिश से गार्निश करें, ढक्कन लगाएं और इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट करें। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। सेट करने के बाद ये हमारा एकदम क्रीमी आइसक्रीम तैयार हो चुका है। ये देखिए, आइसक्रीम में बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं जमी है, एकदम टेस्टी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं बच्चों का फेवरेट जेल्लो मेलो आइसक्रीम। उसके लिए मैंने 1/2 किलो वनीला बेस आइसक्रीम एक बाउल में ले लिया है। अब इसमें डालेंगे जेलीज। इस तरह से कलरफुल जेलीज आपको कन्फेक्शनरी शॉप में मिल जाएगी। आप चाहे इस जेलीज को चॉप करके डालें या बड़े बड़े पीसेस भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप बड़े पीसेस डालोगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो हो सके तो इसे चॉप करके डालें।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें डाले गए 1/8 टीस्पून से भी कम फ्रूट एसेंस डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसे कलरफुल बनाने के लिए इस आइसक्रीम बेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 3 बाउल ले और इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दें। एक बाउल में रेड कलर डालें, एक बाउल में ऑरेंज कलर डालें और जो थर्ड वाला बाउल है उसमें 4 ड्रॉप्स 4 अलग अलग कलर के डालेंगे, जैसे ग्रीन, रेड, पिंक, जो भी आपको कलर पसंद हो आप वैसा डाल सकते हो। तो ये वाले बाउल में मैंने ऑरेंज कलर डाला है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सेकेंड वाले बाउल में मैंने रेड कलर डाला है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलर आपको जितना स्ट्रांग चाहिए उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने सारे जेल कलर्स ही यूज़ किए हैं। और जो थर्ड वाले बाउल में हमने 4 अलग अलग कलर डाला है उसे हल्के से 2 या 3 सर्कल में रोटेट करते हुए मिक्स करें। बस हमें इसी तरह का जिगजैग लाइंस चाहिए। अब इसे सेट करेंगे तो एक 1/2 kg का बॉक्स ले और इसमें अल्टरनेट लेयर्स सारे कलरफुल आइसक्रीम डालते जाएं, जैसे कि एक बार ऑरेंज डाले, फिर मल्टी कलर का, फिर रेड गेन, फिर मल्टी कलर। इस तरह आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके अल्टरनेट लेयर्स से डालते जाएं। अब इसे जेली से गार्निश करें और इसे फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए सेट करने रख दें। 8 से 10 घंटे बाद आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है और एकदम टेस्टी कलरफुल बच्चों का फेवरेट जेलो मेलो आइसक्रीम तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं फ्रूट ओवरलोडेड आइसक्रीम। उसके लिए मैंने यहाँ पर अंजीर ली है, ये मेरे 5 से 6 अंजीर ली है और इसे भी 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है। भिगोने से काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दे और इसे एक नैपकिन के ऊपर 15 से 20 मिनट सुखा दे। अब एक बाउल में 1/2 किलो वनीला बेस आइसक्रीम लेंगे। अब इसमें 1/2 कप काजू बादाम पिस्ता का कतरन डालें, अंजीर को बारीक चॉप करके डालें, 1/4 कप जितना टूटी फ्रूटी डालें, 1/4 कप जितना चेरीज डालें जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और कुछ जेली डालें इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून से भी कम फ्रूट एसेंस, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये हमारा आइसक्रीम बेस तैयार हो चुका है। अब इसे कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम रेड कलर डालेंगे। तो 4 ड्रॉप रेड कलर डालें लेकिन 4 अलग अलग कॉर्नर्स में डालें और स्पून से इसे हल्के से 3 से 4 राउंड में मिक्स करें। इसे पूरा मिक्स करोगे तो ये पिंक कलर का आइसक्रीम हो जाएगा। बस हमें इसी तरह जिगजैग लाइंस चाहिए। एक बॉक्स ले और सारा आइसक्रीम उसमें ट्रांसफ़र कर दें। आप चाहे बीच बीच में कुछ टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स और चेरीज डाल सकते हो और इसे सारे ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी और चेरीज से गार्निश करें और इसे सेट करने के लिए 8 से 10 घंटे फ्रीजर में रख दें। सेट होने के बाद एकदम क्रीमी फ्रूट ओवरलोडेड आइसक्रीम तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं पान फ्लेवर की आइसक्रीम। उसके लिए एक बाउल में मैंने 1/2 किलो वनीला बेस आइसक्रीम ले लिया है और कुछ पान के पत्ते को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, उसे भी इसमें डाल दें। अब हम इसमें पान मसाला डालेंगे। पान मसाला आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता हो तो आप पान वाले के पास से 3 से 4 पान ले बिना सुपारी का और उसे सेमी क्रश करें और इसमें डाल दें। कुछ टूटी फ्रूटी डालें और 1 से 2 ड्रॉप ग्रीन कलर डालें और 1/8 टीस्पून जितना पान का एसेंस डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये हमारा आइसक्रीम तैयार है। इसे हम सेट करेंगे। एक 1/2 किलो का बॉक्स ले लें और सारा आइसक्रीम को उसमें ट्रांसफ़र कर दें और आप चाहे फिर से इसे पान मसाला से गार्निश करें और फ्रीज़र में सेट करें। पान मसाला अगर ना हो तो आप गुलकंद, गुलाब की पत्ती या बारीक पिसी हुई सोम का पाउडर और टूटी फ्रूटी से भी इसे गार्निश कर सकते हो। सेट होने के बाद हमारे एकदम क्रीमी पान फ्लेवर का आइसक्रीम तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे वेरी बेरी आइसक्रीम। उसके लिए एक बाउल में 1/2 किलो वनीला बेस आइसक्रीम डालें और उसमें 1/4 कप ब्लैक करंट्स डालें और 1/4 कप जितना स्ट्रॉबेरीज डालें।
स्ट्रॉबेरीज को मैंने पहले फ्रीजर में सेट कर दिया है और उसके बाद उसे ग्राइंड कर दिया है। अब हम इसमें वेरी बेरी का क्रश डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर अगर आपके पास बेरी का एसेंस हो तो आप बेरी का एसेंस भी डाल सकते हो। क्योंकि हमने क्रश डाला है उसमें एकदम स्ट्रांग फ्लेवर है, इसीलिए मैंने कोई एसेंस इसमें नहीं डाला है। इसे बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दें और इसे फिर से बेरी से गार्निश करें और फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए सेट करने रख दें। यह हमारा एकदम क्रीमी वेरी बेरी आइसक्रीम तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, सारे आइसक्रीम आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपके आइसक्रीम्स कैसे बने। मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे आइसक्रीम रेसिपीज शेयर किए हैं, वो भी ज़रूर ट्राई करिए और बताइए कि आपकी आइसक्रीम कैसे बनी। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज़।